ममता सरकार को लगा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 37 वर्गों को दिए ओबीसी आरक्षण रद्द करने के आदेश। मुस्लिम आरक्षण के फैसले पर ममता की ललकार, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण रद्द करने के आदेश के बाद सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई हैं। ममता बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उनको स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे को लेकर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के तेवर भी काफी आक्रामक दिखाई दिए। ममता ने हाईकोर्ट के इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का संकेत दिया है। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखने वाले फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। এটাই আজকে কোর্ট কে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্ট কে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया था। ममता बनर्जी ने कहा, सरकार ने घर घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक बनाया था और उसे मंत्रिमंडल और विधानसभा से पारित किया था। जरूरत पड़ने पर वे इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत तक जाएंगी। सीएम ममता बनर्जी ने आरक्षण रोके जाने का आरोप भी बीजेपी पर मोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर नजर आए। बुधवार को ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और घुसपैठियों को राज्य की जनसांख्यिकी बदलने की अनुमति देकर पाप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने घुसपैठियों को तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक बताया है। लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को एक प्रकार से स्थगित किया गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर ने बताया है कि कैसे केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता दीदी की सरकार ने जो अधिकार ओबीसी समाज के लिए था उसे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दे दिया। मतलब कि जो एनसीबीसी ने भी बताया है कि 179 ओबीसी क्लासेस की लिस्ट में 118 केवल मुसलमानों का जोड़ा गया। सोचिए कि 87 जो क्लासेस थी उसमें से लगभग 77-78 क्लासेस लिस्ट केवल मुसलमानों की जोड़ दी गई। हाई कोर्ट ने बताया है कि किस प्रकार से ये बिना कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड केवल और केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए और अपनी वोट बैंक की लालसा को पूरा करने के लिए ये पूरा का पूरा जो काम है वो किया गया। अदालत का यह फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था वह अब नहीं मिलेगा, तो ऐसे में इन समुदायों की ममता सरकार से नाराजगी तो निश्चित है। ममता सरकार को मुस्लिम समुदायों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। यही नहीं, इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है।